गुड मॉर्निंग एवरी वन मै मे सली एन यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेज जस्ट एज यू नो आई एम अ टीचर एज वेल एज एन यूट्यूबर आज मेरे बीच एक स्टूडेंट है मेरा बहुत ही पुराना स्टूडेंट नैम राजकुमार फ्रॉम बिशंबरपुर इस लड़के से आज कुछ गुप्तगु होने वाली है कुछ बातें होने वाली है कुछ ऐसी बातें जो इसके मार्क्स से, से रिलेटेड होंगे जैसा कि आप जानते हो अगर आप सी मेरा मतलब है अगर आप बी एस सी बोर्ड से हो तो आपको पता होना चाहिए कि कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है कुछ बच्चे उदास हैं कुछ बच्चे खुश हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं उसी में एक राजकुमार को भी मैंने पिक किया है राजकुमार से जानते हैं कि राजकुमार ने इस बार कितने मार्क्स लाए राजकुमार कितने मार्क्स आए तुम्हारे थ्री हंड्रेड एट्टी वन थ्री हंड्रेड एट्टी वन गुड मार्क्स वेरी गुड राजकुमार थ्री हंड्रेड एट्टी वन मार्क्स तुम्हें ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं बहुत कम है बहुत कम है तुम्हारी उम्मीद कितनी थी कि मेरे मार्क्स कम से कम इतने आने चाहिए 440 440 तब तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई राजकुमार है ना खैर तुम्हें क्या लगता है गलती तुम्हारी है या गलती एग्जामिनर की है गलती मेरी है गलती मेरी है गिव अभी घंट क्योंकि इंसान को खुद का इंसान को खुद को कसूरवार ठहराना चाहिए अगर दूसरे की गलती हो भी तो भी ऐसा कहा जाता है कि खुद को गलत मानो क्योंकि जब तक खुद को गलत नहीं मानोगे तब तक तुम सुधार अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते तो खुद को ग़लत मानना बहुत ही अच्छी बात होती है जैसे कि वो कहते हैं ना कि हमारी आँखों से पूरी दुनिया दिखती है लेकिन आँख में कुछ पड़ जाए वो नहीं दिखता तो इसका ठीक ऑपोजिट हमें अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए राजकुमार ने अपनी ग़लती स्वीकारारी और इसने कहा कि ये इसकी खुद की गलती थी जिसके कारण ये बंदा तीन मार्क्स ला पाया खैर राजकुमार तो वो कौन सी गलती लगती है तुम्हारी तुम्हें क्या लगता है मेरी वो कौन सी गलती थी जिसके कारण शायद मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पाए जितने की उम्मीद थी मुझे बिकॉज़ यहाँ पे साइंस के टीचर बढ़िया नहीं मिले और फिर जो हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो आप हिंदी इंग्लिश बढ़िया से पढ़ा पाएँ और हम लोग अच्छे से हिंदी इंग्लिश में गेन कर पाएँ एटलीस्ट इंग्लिश uh, में 85 और हिंदी में भी 85 बट साइंस में वैसा नहीं कर पाए और साइंस में सेल्फ़ स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाए हम लोग और इंग्लिश में भी कुछ खास सेल्फ स्टडी नहीं किए और जो भी तैयारी किए वो आप करवाएँ कोचिंग में ही जिसके कारण Give a big hand. राजकुमार का कहना है कि कहीं ना कहीं राजकुमार थोड़े बहुत किसी दूसरे को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं है ना कहीं ना कहीं लेकिन राजकुमार मैं ये बात से मैं सहमत हूँ कुछ हद तक क्योंकि ऐसा मेरा भी मानना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टीचर्स हर सब्जेक्ट के मौजूद हैं लेकिन उनमें से साइंस के लिए परफेक्ट नहीं है कोई भी इस बात का मुझे बहुत अफसोस है लेकिन इस बात पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हमने प्रतिज्ञा कर ली है अगर हमने डिटर्मिनेशन कर लिया है तो कुछ हद तक इस चीज़ को तोड़ा जा सकता है कुछ हद तक इस चीज़ को कम किया जा सकता है और इस गलत फहमी से भी निकला जा सकता है तो राजकुमार ने जैसा बताया कि राजकुमार साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए मैथमेटिक्स में एट्टी एट्टी मार्क्स मैथमेटिक्स सेटिस्फाइड हो नौ no, सर कितने चाहिए थे नाइन्टी नाइन्टी चाहिए थे कौन सी गलती के कारण तुम्हारे एट्टी तक ही पहुंच पाए टीचर्स की गलती खुद की गलती खुद की गलती है। खुद की गलती कौन सी गलती रफ़ करना नहीं कर पाए रफ अच्छा रफ नहीं कर पाए अच्छा जो पेज के पीछे रफ़ किया जाता है अच्छा ये बात है ओ, तो कहीं ना कहीं राजकुमार ने मार्क्स के बाद रियलाइज़ किया कि हमने बहुत सारी गलतियां करी जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई खैर राजकुमार आई एम वेरी ग्लैड टू नो योर रिज़ल्ट तीन मेरे ख्याल से ठीक था इसलिए क्योंकि लॉकडाउन थे चार महीने के और इन चार महीनों में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई और यहाँ तक कि तैयारियाँ अच्छी नहीं चल पाई और फिर भी राजकुमार मेरे ख्याल से तुम्हारे मार्क्स लगभग ठीक ठाक हैं लेकिन तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो अच्छी बात है इंसान को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होना चाहिए सेटिस्फाइड कभी होना ही नहीं चाहिए इच्छाएँ हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि ये इच्छाएँ जिस दिन रुक गई उस दिन हमारा विकास रुक जाता है हमारी तरक्की रुक जाती है और राजकुमार की सोच पे मुझे फ़क्र है अच्छा जाते जाते राजकुमार एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा चलो इस बार तुम्हारे मनचाहा मार्क्स नहीं आ पाए तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में तुम ऐसा क्या करना चाहोगे कि जिसके कारण ये प्रूव कर पाओ ये सिद्ध कर पाओ कि मेरे मार्क्स तो कम थे कोई बात नहीं पर मेरा हौसला कम नहीं था मेरा हौसला नीचा नहीं था ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे लोगों को विश्वास दिला सको कि मार्क्स उतना मैटर नहीं करता जितना कि मेहनत और टैलेंट करता है अगर नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा अगर इस बार अगर मौका मिला तो इसे भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा और हद से भी ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी करूँगा जितना मुझसे हो सके मैं उतना अपने से तैयारी करूँगा और स्टडी में कोई कमी नहीं करूँगा वेरी गुड गिव एंड राजकुमार खुश यू डियर सब्सक्राइबर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश करना इस लड़के से आपने क्या सीखा क्योंकि हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती रहती है आपका इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स के लिए तब तक के लिए बाय बाय